हाय फ्रेंड्स, मैं फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि पेटीएम से बैंक अकाउंट में पैसे कैसे भेजें या अपने पेटीएम से दूसरे के पेटीएम पर कैसे पैसे भेज सकते हैं। तो आइए मैं पेटीएम ओपन करता हूँ। पेटीएम ओपन हो चुकी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि पेटीएम में पैसे कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पासबुक लिखा हुआ है ऊपर कॉर्नर में, तो मैं पासबुक पे क्लिक करता हूँ। तो पासबुक यहाँ पर पे लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और उसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर ओपन करने के बाद देखते हैं कैसा इंटरफेस सामने आता है। सिंपल सी स्कैनिंग का ये नीचे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर किसी पेमेंट का बार कोड है, ठीक है, पेटीएम कोड जिसे बोलते हैं, वो आपको सामने रखने पर आपका फ्रेंड का अकाउंट स्कैनिंग कर लेता है और यहाँ पर बैलेंस उसके बाद मांगेगा और आप ट्रांसफ़र मार सकते हो। अगर नहीं है, फ्रेंड आपका दूसरे जगह पर है, आपको नंबर सिर्फ मालूम है, तो ऊपर में आपका पेटीएम अपने फ्रेंड का पेटीएम नंबर लिखना होगा। ऊपर में अपने फ्रेंड का पेटीएम नंबर लिखना होगा आपको, जैसे ऐसे लिख दिए, ठीक है, इस तरह से आप यहां पर लिख दिए, उसके बाद कर देना, उसके बाद प्रोसीड कर देना है। उसके बाद अमाउंट आपको डाल देनी है, ठीक है। अमाउंट डालने के बाद पे कर देना है, आपके फ्रेंड के पास पैसा चल जाएगा। फिर से बैक होते हैं। तो यहाँ पर यदि आप अपने या किसी के बैंक अकाउंट लिखते हैं, यहाँ पर मांग रहे हैं मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट का भी नंबर आप डालते हैं और पे करते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पेटीएम से दूसरे पेटीएम में पैसा डाल सकते हैं।